खबरों में बने रहने के लिए अपना लाइव डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। मैं आकाश कुमार, अभी हमसे जुड़े हुए हैं भाजपा के कर्माठ एवं जुझारू नेता मुकेश शाह जी, जो पिछड़ा मोर्चा के भाजपा के नेता है। आइए उनसे जानते हैं, अभी चर्चा करेंगे उनसे। 2019 चुनाव, लोकसभा चुनाव जो 2019 में होने वाला है, उससे रिलेटेड इनसे चर्चा करेंगे। क्या लगता है इन्हें कि 2019 में क्या एनडीए की सरकार बन पाएगी, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? आइए जानते हैं मुकेश शाह जी से। मुकेश जी, 2019 में क्या लगता है आपका सरकार, आपकी सरकार बन पाएगी, एनडीए की सरकार फिर से 2019 में आ पाएगी, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल बन पाएंगे, और इसमें कहीं दोहरा नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। और अब जो भी सीट आएंगी वो 400 से पार होगी, और लोगों में उत्साह है कि देश के हित के लिए है तो मोदी हित है। और कई जगह मैंने प्रचार में गया पार्टी की तरफ से, और अपने भी कई लोगों से पूछा, तो देश हित के लिए मोदी जी पीएम अगर है तो देश हित अपने हाथ में है। और भारत में जब भी अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं तो पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है, चाहे वो किसी की सरकार है, वोट तय करके देती है, सोच के देती है और समझ के देती है किसे वोट देना। और ये माइंड में सबको सेट है कि अगली बार मोदी सरकार, और 2019 में हमारी जो सीटें हैं वो तो 400 से पार ही होगी। ये हमारा नहीं, ये पब्लिक का कहना है। हम कहीं भी अभी तक बिहार के कोई ऐसा जगह नहीं है जहां हमने प्रचार के लिए पार्टी की तरफ से गया, और अपने तरफ से भी गए, अपने लोगों की तरफ से गए, लेकिन वहां भी सिर्फ मोदी 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 मोदी। क्यों? हमने तो नहीं कहा कि आप मोदी को वोट दीजिए, लेकिन लोगों को उत्साह है कि देश में अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और सबसे बड़ा, मैं देहात क्षेत्र से गया, देहात क्षेत्र में लोग बोले कि नल, कल, जल, शौचालय, ये आपका नाला जो पानी निकास करते हैं वो केंद्र लेवल पे जो काम होता है ये बहुत ही, आप शहर में तो लोगों को टंकी बना बना के मिलता है 5 घर के लिए, तो ये सब मोदी जी के कारागार में हुआ है। और बहुत सारे काम है जैसे कि आयुष्मान भारत, जिसमें मेडिकल लोगों को कार्ड दिखाइए और तुरंत एडमिट कीजिए, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं देने का, सभी बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसका लाभ है। और इसके लिए कई सारे दिग्गज लोग जो है कहते नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अभी अगर इस बार हम लोग फुल मोहम्मद 400 पार से आएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं मेच्योरिटी में रहेंगे, तो हमारा तो मुकेश जी आपका कहना है कि 2019 चुनाव में मोदी ही प्रधानमंत्री बन पाए। बिल्कुल। तो मोदी मुकेश जी ये बताइएगा कि बिहार में 40 सीट है जी। तो क्या आपको लगता है पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार जो है, एनडीए पार्टी जो है, भाजपा जो पार्टी है, वो 40 सीटों पर जीत कर पाएगी बिहार से, ये पूर्ण बहुमत से ला पाएगी, या फिर कुछ सीट ऐसा होगा जो पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए? आपको क्या लगता है किस किस जगह से, कौन कौन सा क्षेत्र से उनका पूर्ण जीत होगी, पूरी तरह से जीत होगी? आपको क्या लगता है पूरी सीट से जीत पाएंगे? ये तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये जो भी जगह से जीतेगी तो सबसे ज्यादा लीड में बीजेपी का ही रहेगा। और मुकेश जी अभी अभी हाल ही में देखे सतवंत सिन्हा भी कांग्रेस में चले गए, और अभी शंकर प्रसाद जी भी पटना साहिब के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार दावेदार हैं, और सतवंत सिन्हा भी। तो आपको क्या लगता है पटना साहिब से किनकी जीत हो पाएगी, किस तरह का टक्कर रहेगा दोनों में, शंकर प्रसाद और सतवंत सिन्हा जी में? शंकर प्रसाद जी 4 लाख वोट से जीतेंगे, 4 लाख वोट से। और बात रहा कि कोई भी लोग बीजेपी के लोग हैं या पब्लिक, वो पीएम को चाहते हैं, और पीएम में जो कैंडिडेट चुने हैं तो लोग वहीं के पक्ष में चलेंगे। आपका कहना है कि ये यहाँ पर किसी नाम की मोहताज नहीं, ये बीजेपी को वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी को वोट पड़ेगा, रविशंकर प्रसाद जी को नहीं, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इलेक्शन होगी, वोट पड़ेगी, ये कोई नाम का नहीं, या चाहे सतोदान सिन्हा बीजेपी में रहे या फिर रविशंकर जी रहे, कहना का मतलब रविशंकर जी भी है वहां से, सतोदान सिन्हा भी है, या अगर कोई और पर्सन को भी वहां से टिकट दिया जाता तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की वोट पड़ता। आपका कहना यही है ना, पार्टी में एक राष्ट्रपति होते हैं, एक प्रधानमंत्री होते हैं और एक मुख्यमंत्री होते हैं। हमारे देश में पीएम है वो माननीय नरेंद्र मोदी है, हम लोग उनके कार्यकर्ता मतलब सेना, तो आदेश हम लोग कार्यकर्ता काम करते हैं तो सेना के लिए, सेना
देश के लिए, अब देश पीएम चला रहे हैं। तो कहीं कहीं तो कहीं ये भी तो होगा ना कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी पिछले बार बीजेपी कहीं उम्मीदवार थे, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो वहां पर होगी ना रविशंकर प्रसाद और शत्रुघ्न सिन्हा जी का, कहीं कांटे की टक्कर तो कांटे की टक्कर तो नहीं होगी। कांग्रेस की जब जब इलेक्शन में अपना कैंडिडेट खड़ा किया कभी भी कांटे की टक्कर हुई? शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़े थे तो 4 लाख वोट से जीत गए, 4 लाख वोट से किनके बदौलत जीते थे? शत्रुघ्न सिन्हा के बदौलत, पार्टी के बदौलत जीते थे, और पार्टी के बदौलत जीते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत का काम किया, और वो कितने बार अपने क्षेत्र में आए? नहीं आए। तो पार्टी अगर व्यक्तिगत लगाव होता है अपने वार्ड से तो वो आते हैं, अपने क्षेत्र को मुआयना करते हैं, अपने देशवासियों को देखते हैं, अपने जिस जगह से लगाव होता है कि हम जीते हैं तो वहां पर उत्साह होता है कि हम लोगों को जा सके, लेकिन वो नहीं गए। तो ये कहीं ना कहीं उनके निगेटिव पॉइंट है, और पार्टी ने बहुत ही अच्छा काम किया जो कैंडिडेट को चेंज करने का काम किया, और जो माननीय कानून मंत्री रह चुके हैं रविशंकर बाबू जी, और उसके बाद अभी मुकेश जी ये जो कांग्रेस की सरकार, वो कांग्रेस राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर 2019 में हमारी सरकार बनती है तो बेरोजगारों को 72,000 रुपया सालाना देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब इलेक्शन आते हैं तो लोग तरह तरह के मुद्दे बनाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो क्या दे पाते हैं? वादे तो सभी करते हैं, पूरा कांग्रेस कर पाते हैं? 70 साल की सरकार में क्या क्या पूरा किए हैं पहले उनसे पूछ के आइए, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। तो क्या जो 72,000 जो बेरोजगारों को देने के वादा कांग्रेस की है, तो क्या इस तरह का कुछ तो वादा तो बीजेपी की नहीं है, लेकिन क्या इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में, इससे रिलेटेड क्या बीजेपी की सरकार भी कुछ बेरोजगारों के लिए कुछ करेगी, कुछ ऐसा कुछ बोलेगी? अब ये तो बहुत बड़ी बात पूछ रहे हैं, इसके लिए तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ सोचे होंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो जाहिर बात है कि वो कुछ न कुछ सोचे होंगे, कुछ न कुछ जरूर सोचे होंगे। और बात रहा जहां जहां पद जो खाली है, अभी तो पता चला है कि इलेक्शन के बाद बहुत सारे वैकेंसी है, लेकिन हम अभी क्यों बोले, अभी हम क्यों बोले, जो होगा उसके सामने रिजल्ट के बाद आएगा। अभी अभी आप सुन रहे थे भाजपा के कर्नाटक नेता जुझारू टेटा, मुकेश शाह जी जो पिछड़ा मोर्चा के नेता है, इन्होंने बताया कि 2019 चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और रही बात पटना साहिब से, इनका कहना यह है कि वो किसी नाम पर वहां पर वोट नहीं पड़ेगी, रविशंकर जी रहे या कोई और उम्मीदवार रहता वहां पे, उनके नाम पर वोट नहीं वहां पर पड़ती, वो भाजपा की वोट पड़ेगी, और टोटल वोट से 4 लाख वोट से वहां पर रविशंकर जी जीत कर पाएंगे 2019 में। मिलते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज में, मैं आकाश कुमार, आप अपना लाइव को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।